चतुर्थी पर कोरोना का असर, मूर्ति कारोबार ठप, मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट। कोरोना का असर इस बार त्योहारों पर भी पड़ा है। संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन की मनाही है। गणेश उत्सव पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। इस कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मार पड़ी है उन मूर्ति बनाने वालों पर, जिनका साल भर का रोजगार और कमाई इसी पर टिका होता है। सड़क किनारे गणपति की सुंदर और भव्य मूर्तियों की कतार लगी होती है। खरीदारों और ऑर्डर देने वालों की भीड़ लगी होती है, लेकिन इस बार सब अलग है। किसी बड़े आयोजन के ना होने के चलते पहले से मिलने वाले मूर्ति के ऑर्डर अब कारीगरों को नहीं मिल रहे। भगवान की मूर्ति की ऊंचाई भी मूर्तिकारों ने घटा दी है। बड़ी मूर्तियां न बनाकर कम ऊंचाई वाली मूर्तियां ही बनाई जा रही हैं। उनकी संख्या भी काफी कम है। मूर्ति बनाने वालों को डर है कि ग्राहक आएंगे भी या नहीं। दरअसल मुरादाबाद की सड़कों के किनारे पिछले कई वर्षों से मूर्ति बनाने का काम करने वाले कारीगर भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि छोटी मूर्ति बना रहे हैं, बड़ी मूर्ति नहीं बना रहे, क्योंकि अब डर लगता है कि ये मूर्तियां बिकेंगी या नहीं। 2 फुट से ज्यादा ऊंचाई की मूर्ति इस बार नहीं बनाई गई। वैसे 6 फीट तक की मूर्ति बनाते थे। उनका कहना है कि 50-60 मूर्ति बनाई हैं। पहले 500 के करीब बनाते थे। जो पुराना कस्टमर है वो तो लेकर जाएगा ही, इसी हिसाब से उनके लिए बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत है। गणेश चतुर्थी आ रही है जी। मूर्ति, छोटी मूर्ति बना रहे हैं गणेश चतुर्थी के लिए। 1 फीट से लेकर 3 फीट तक मूर्ति बना रहे हैं छोटी। हर साल हमारी ताकि 10 फीट 15 फीट की मूर्तियाँ बिकती थी इस त्यौहार पे, मगर अब की बार लॉकडाउन की वजह से हमारे 1 फीट से लेकर हम 3 ही फीट तक छोटी मूर्तियाँ बना रहे हैं, कि ताकि लोग बाग अपने घर में स्थापना कर सकें। बड़ी मूर्तियाँ हमें, देखो ऐसा है, बड़ी मूर्तियों के लिए पैसा लगता है, माल मीटर। दूसरी बात, माल मीटर भी हमें मिल नहीं पाया बड़ी मूर्तियों के बनाने के ताई। और रही बात, हमारा दिन में मतलब डर था कि हम बड़ी मूर्तियाँ अगर बनाएंगे ना बिकी तो हमारा पैसा, हम मान लो कर पीओपी वाले कर्जा ले रखा है, उनसे हम पैसा क्या कहाँ से देंगे। छोटी मूर्ति क्या, छोटी मूर्ति भी हमने कम बनाई है, ज़्यादा नहीं, 400-500 मूर्ति बनाई है छोटी। बस डर था इनका भी, कहाँ बिके ना बिकेंगे पता ना। अब तक तो क्या यही है, बस 300-400 मूर्ति है बस। हाँ, ज़्यादा मूर्ति हमने बनाई नहीं लॉकडाउन की वजह से, बनाई नहीं, और माल मीटर मिला ही नहीं हमें बनाने के ताई। और जो भी माल मीटर मिल गया था वो 100 रुपये की मिल रही थी, हमें 180-150 रुपये का मिल दिया था। इस बार हम महंगाई की वजह से हमने बना नहीं पाए हम माल मीटर भी। सैलरी हो रही है मगर पहले जैसी नहीं हो रही है, हो रहे हैं मगर छोटी, लोग बाग छोटी मूर्ति ले जा रहे हैं, छोटी छोटी अपने घर में स्थापित कर लेंगे, मगर पहले जैसी मतलब सैलरी नहीं है। पहले सही थी, जब बड़ी मूर्तियों में भी बड़ी मूर्ति के ऑर्डर भी आते थे, पहले 2-2 महीने 3 दिन पहले महीने के ऑर्डर आते थे, मूर्ति बिकती थी। मगर अब की बार पहले कोई ऑर्डर नहीं आया, जब थोड़ी बहुत आने भी लगे हैं तब आने लगे हैं, थोड़ी बहुत बिक रही हैं, छोटी मूर्ति बिक रही हैं, बड़ी नहीं। मूर्ति खरीदने आए कुछ लोगों से हमने बात की। उनका कहना है कि कोरोना का असर तो आया ही है, लाइन लगाकर दुकानें होती थी, इस बार कुछ भी नहीं है, मूर्ति भी बहुत कम है, आर्थिक रूप से सबको दिक्कत है, लेकिन पूजा तो करेंगे ही, सामूहिक धार्मिक आयोजन नहीं होगा, कोरोना का पूरा ख्याल ही रख कर घर पर ही पूजा भी करेंगे, बप्पा आएंगे और सबका भला करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं रामपुर से प्रिंस सक्सेना। क्या गणेश जी की मूर्ति लेने आया था? गणेश चतुर्थी विसर्जन मूर्ति आ रही है। इस बार सर कुछ नहीं खरीदा लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि सेल ही नहीं है बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस छोटा माल लेके जा रहे हैं, बड़ा माल तो लिया नहीं इस बार, कुछ समय कहीं विसर्जन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे सर पहले जो सेल थी सर 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक की मूर्ति की सेल थी, इस बार तो सब मूर्ति वाले भी परेशान है, क्योंकि असल में सेल नहीं है बिल्कुल। लॉकडाउन को लेके प्लस ग्राहक के पास मतलब पैसा नहीं है, पहले इंसान खाने पीने का देखेगा या पहले मूर्ति का देखेगा? पहले काम तो 100%, अब सर काम 20% काम रह गया, 20% भी नहीं रहा कुल मिला के, 10% इस बार से मूर्ति घर में रखी जाएगी, इसके अलावा जैसे बड़े जो प्रोग्राम होते थे वो कहीं नहीं चल रहे हैं इस बार। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ सर, मुरादाबाद आया हूँ, खुशहालपुर में, रामपुर का रहने वाला हूँ मैं। पिछली बार सर करो 50-60 हज़ार का माल ले गया था, इस बार तो कुल मैंने 5 हज़ार का ही माल ले लिया है।
क्योंकि इस बार सर बड़े प्रोग्राम हो नहीं रहे हैं, बड़ी मूर्ति कहीं रखी नहीं जाएंगी, सिर्फ छोटा माल लिया तो घर में रखा जाएगा बस। हाँ जी, कुल 5,000 का माल लिया, इससे ज्यादा का माल नहीं लिया मैंने।